सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं चक्रेश कुमार मीणा और फ्रेंको आरिज मीणा आप सभी साथियों को ये चीज़ बता देता हूँ कि आप सभी का जो प्लान था, जो जॉन जॉन विजिट करना है आप सभी लोगों को और जॉन में जाके रिक्वेस्ट करना है, तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सभी साथी अपने अपने जॉन पहुँचें और जिसको जो डेट अपने बोर्ड के और छात्रों से या उम्मीदवार हैं, चाहे वो जूनियर इंजीनियर टेक्नीशियन वाले सभी छात्र, आपस में एक अपना व्यवस्था देख लीजिए कि आप लोगों को किस डे में सही रहेगा, आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच सकें, 12 तारीख हो या 13 तारीख हो, आपके हिसाब से, आपके सुविधा के हिसाब से आप लोगों को आपके जोन हेडक्वार्टर जाना है और जोनल हेडक्वार्टर जाके साथियों आपको आपके CPO सर से निवेदन करना है, रिक्वेस्ट करना है और उनको यही बोलना है कि आपको इस कैटेगरी में हमें सर डिमांड भेजिए जिससे कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। ज़्यादा से ज़्यादा अपना दुविधा बताओगे तो देखो अधिकारी लोगों पे थोड़ा असर होता है और उनको बोलिए कि सर 6 महीने का जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड भेजिए और हम लोगों का ये लास्ट एग्ज़ाम है और हम लोग ओवरएज हो रहे हैं, कई तरीके से उनको कन्विंस करने की कोशिश कीजिए। तो साथियों ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा और सभी टेक्नीशियन वाले साथियों को मैं बोलता हूँ कि आप वहीं पे जाके अपना जो जोनल में CPO बैठता है उनको बोलिए कि NWR में जिस तरीके से CPO ने भेजा है कि मल्टी स्किल रूल का उपयोग किया जाए, मल्टी स्किल रूल का उपयोग करने के साथ साथ ही डाइवर्जन किया जाए, डाइवर्जन के साथ साथ उन्होंने अप्रूवल मांगा है पोस्ट कंसिडर। जैसे कि कोई लड़का है, मैं अभी टेक्नीशियन का उदाहरण देके बताता हूँ, कोई लड़का डीजल में ITI किया है, फिटर में ITI किया है या इलेक्ट्रीशियन में ITI किया गया है और उसका क्वालिफाई एक सीट के लिए है डीजल में, ओनली डीजल के लिए, तो उसको एक पोस्ट पे से दूसरी पोस्ट पे डीजल की जितनी भी पोस्ट हैं उन पे उनको कहीं भी एग्जिस्ट करने का एक रूल होता है। इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल वाले को इलेक्ट्रिकल की पोस्टों पर पोस्टिंग देने का एक रूल होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ होती है। तो साथियों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल ही निश्चिंत रहें, आपको आपके CPO से मिलना है और CPO से मिलके आप लोगों को इन सब चीज़ के लिए, रूल के लिए और जो भी चीज़ हैं उनके लिए आपको बताना है। CPO सर आपकी बात सुनेंगे, आप लोग CPO से रिक्वेस्ट करना जो भी बात करने जाए कि सर ऐसे ऐसे ये प्रॉब्लम हो रहा है, हमारा इस वजह से नहीं हो रहा है, और जो सीटें आप भेज रहे हो वो दूसरी कैटेगरी की डिमांड भेज रहे हो पोस्ट कैटेगरी की जिससे हमें ये लॉस हो रहा है, तो आप जब निवेदन करोगे तो CPO आपकी बात ज़रूर सुनेगा, मानेगा और उस चीज़ का कहीं ना कहीं आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा। तो साथियों मैं आप सभी से ये चीज़ स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, जो जूनियर इंजीनियर वाले मेरे जितने भी साथी हैं वो 12 और 13 तारीख में अपना अपना जोन ज़रूर विजिट करें और जोन में आप लोग जब तक जाओगे नहीं तब तक उनको पता कैसे चलेगा कि किस कैटेगरी में क्या पोजीशन है। तो आप सभी से मेरा यही निवेदन है, जिन लोगों के 2 जोन पढ़ रहे हैं, जैसे कि इलाहाबाद वालों के 2 जोन पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों को दोनों जोनल में जाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि 40-60 का रेशो रहता है जो आपकी वैकेंसी है उनका, तो आप सभी को उस हिसाब से अपने अपने जोन में विजिट करना है। और मैं चाहता हूँ जितने भी जूनियर इंजीनियर टेक्नीशियन के साथी हैं वो एक दिन ही विजिट करें ताकि थोड़ा भीड़ भी देखने को मिले अधिकारियों को, और कोई भी अधिकारियों के लिए कोई गलत बात नहीं करेगा, किसी भी तरीके का उन पर कोई एलिगेशन नहीं लगाएगा, क्योंकि देखिए साथियों अब जो कुछ भी है रेलवे के अधिकारियों के ऊपर है वो किस हिसाब से हमारे लिए डिमांड भेजते हैं। और दूसरी बात मैं सभी से ये कहूँगा दोस्तों, मेरा थोड़ा प्लान में अपन का जो 100% RRB का जो लड़ाई चल रहा है 100% वेटिंग क्लियर करवाने के लिए, उसकी वजह से मैं जाना तो मुझे 12 तारीख को इलाहाबाद था NCR हेडक्वार्टर पर हमारे जूनियर इंजीनियर के लिए बात करने के लिए, लेकिन सभी RRB के लिए बात करने के लिए थोड़ा सा प्लान को चेंजेज किया गया है, क्योंकि देखिए जो सुनने में आ रहा है, क्योंकि ED से हम लोग मिले मैं और शंकर भाई, आप कोई भी अगर डाउट हो तो आप शंकर चौधरी से पूछ सकते हो, ED ने मुझे स्पष्ट रूप से मना कर दिया था डाइवर्जन के लिए, मल्टी स्किल रूल के लिए और जो पोस्ट कंसीडर का जो रूल है उसको देने के लिए लाभ, हमें ED राजीव गांधी ने बिल्कुल मना कर दिया कि ये पॉसिबल नहीं है। और जब मैंने CVT 1 को ख़त्म करने के लिए बात बोली तो उन्होंने इस चीज़ को भी उन्होंने मना कर दिया था कि CVT 1 को ख़त्म करेंगे तो पीछे से लड़के उठ के आ जाएंगे या बहुत सारी समस्याएँ हो जाएंगी। तो सर
मैं ईडी सर से जो, लेकिन रूल जो हमारे बन के आते हैं वो सेंट्रल आरआरबी के जो चेयरमैन है माननीय वीके त्रिपाठी जी, और मैं 12 तारीख को वीके त्रिपाठी जी से एक एमपी के थ्रू मिलूँगा। मैंने एमपी साहब से मेरी बात हो गई है, और साथियों मैं उनसे यही निवेदन करूँगा कि सभी आरआरबी के लिए एक कॉमन रूल निकल जाए सर, ये सभी लड़के ऑब्जर्व हो जाएं, कुछ ऐसा कीजिए। क्योंकि देखो अब आप लोगों ने स्टैंड बाई ही लेना बंद कर दिया है, लेकिन जो लड़के स्टैंड बाई के लिए आस लगा के बैठे हैं अपने घर पर 3.5 साल से कि हमें भी नौकरी मिलेगी और हमारा भी सपना नौकरी का पूरा होगा, तो उन सभी साथियों के लिए मैं 12 तारीख को दिल्ली ही रहूँगा, और दिल्ली में मैं बात करूँगा माननीय श्री सेंट्रल आरआरबी के जो चेयरमैन हैं बीके त्रिपाठी जी उनसे, और उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि ये सब तीनों रूल का हमें फ़ायदा दिया जाए। इसी के साथ जो एएलपी के नोटिस में जो चीज़ आई थी कि जो मतलब कुल मिला के जो भी छात्र है, चाहे वो किसी भी आरआरबी से संबंध रखता है, और वो चाहे टेक्नीशियन का हो, चाहे वो जेई का हो, चाहे पैरामेडिकल का हो, चाहे वो सीएमए का हो, जो भी मेडिकल फिट है उसको उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से चाहे डाइवर्जन कीजिए, चाहे आप उसकी पोस्ट को बदलिए या और कुछ भी कीजिए, उसको कैसे भी कहीं भी ऑब्जर्व कीजिए। एनी रेलवेज का मतलब 17 जोन में से और जितने भी पीएसयू हैं प्रोडक्शन यूनिट, उसको कहीं भी आप ऑब्जर्व कीजिए। 100% आप सभी का स्टैंड बाई क्लियर करिए सर, कुछ ऐसा आप रूल लेके आइए या रूल में ऐसा होना चाहिए। क्योंकि देखिए साथियों, अगर ऐसा नहीं होता है तो हम में से बहुत सारे लड़के, जो कि मैं खुद के ही ऊपर एग्जांपल देके बताता हूँ, मेरा खुद का डीजल सेड में 17 और 40 पे क्वालिफाई है। अगर एनसीआर में आपको पता है 3.5 साल में मेरी किस्मत आप देख लीजिए कितनी बुरी है, कि मेरा फर्स्ट वेटिंग होते हुए 17 और 40 में कोई कैटेगरी नहीं आई है, तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। मेरे से नीचे आप देखिए कितने लोगों का जॉब हो गया है, और CBT 2 में, जबकि मेरा कट ऑफ कितना ऊपर है और मेरे से कितना नीचे सिलेक्शन हो रहा है। तो इस चीज़ का सामना नहीं करना पड़े, इस चीज़ के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। तो मैं सभी इलाहाबाद बोर्ड वाले मेरे जितने भी साथी हैं उनसे निवेदन करता हूँ, जो नियर ऑफ दिल्ली के हैं तो वो 12 तारीख को हेडक्वार्टर आइए, और एनआर हेडक्वार्टर, और एनआर हेडक्वार्टर में सीपीओ से रिक्वेस्ट कीजिए, क्योंकि आपके 2 डिवीज़न मुरादाबाद और लखनऊ डिवीज़न और 4 PSU आपके एनआर के अंडर में आते हैं, तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हो एनआर में आके कि आपकी अच्छे से डिमांड भेजी जाए PSU के लिए, और PSU प्लस दोनों डिवीज़न में से कि अक्सर अच्छे से अच्छे पूरी डिमांड भेजी जाए, तथा साथ ही आपकी समस्या जो जो हैं उनसे उनको अवगत करवाया जाए। हो सकता है मुझे समय मिलेगा तो मैं एनआर बड़ौदा हाउस 12 तारीख को ज़रूर से ज़रूर पहुंचूंगा। अगर मुझे समय नहीं मिलता है, क्योंकि देखिए मैं साथियों सीधी सी बात यह है कि अगर मुझे, मैं सभी लड़कों के लिए जो मुझे उचित लग रहा है और जो सही लग रहा है मैं वो काम करूँगा। क्योंकि देखिए 13 तारीख को मैं ज़रूर इलाहाबाद 100% इलाहाबाद रहूँगा, मालिक सही, अगर सही सब कुछ सही रहा। देखिए 100% तो किसी चीज़ को कहा ही नहीं जा सकता, बट मैं फिर भी ये कहता हूँ कि 13 तारीख का प्लान कीजिए सभी इलाहाबाद वाले लड़के, और एनसीआर हेडक्वार्टर पे हम 13 तारीख को रहेंगे। बाकी मैं सभी और बाकी के जोन वाले मेरे भाइयों से यही कहूँगा, चाहे वो कोई भी बोर्ड है, देखिए चंडीगढ़ बोर्ड वाले, जम्मू बोर्ड वाले और इलाहाबाद बोर्ड वाले, इन तीनों के लिए एनआर हेडक्वार्टर पर ये लोग 12 तारीख को जाइए, और 12 तारीख को अपनी बात सीपीओ से रखिए। मैं खुद भी हो सकता है 12 तारीख को आपके साथ ही खड़ा रहूँ वहाँ पे, और बाकी एनसीआर वाले जितने भी छात्र हैं उनको मैं बोलना चाहूँगा कि 13 तारीख को वो एनसीआर विजिट करें। जिन्होंने टिकट कर लिया तो वो एक दिन वहाँ पर रुक जाइए, या तो कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात, बाकी इसके अलावा जो जैसे कि मुंबई में 2 जोन हैं, कोलकाता में 2 जोन हैं, तो वो सभी छात्र अपने अपने जोन पर जाएं, अलग बोर्डों वाले, जैसे किसी का भोपाल बोर्ड है तो वो अपने जबलपुर जोन जाए, किसी का सिकंदराबाद है तो वो एससीआर का जो हेडक्वार्टर है वहाँ पे जाए, या जो भी हैं उन अपने जोन के हिसाब से अपने अपने जोनल को विजिट ज़रूर करें। क्योंकि साथियों इसी से आपको जो भी लाभ मिलना होगा इसी से मिलेगा। और मैं साथियों, बाकी देखिए आज मनोज झा सर ने क्वेश्चन उठाया, मनोज झा सर से मेरी रेगुलर बात चल रही थी, वो उनका क्वेश्चन नहीं लगा, वो डायरेक्टली बोले थे, ऑन रिकॉर्ड उनका क्वेश्चन नहीं है, मेरी सर से बात हुई और आप लोगों को मैंने ग्रुप में चैट भी डाला, और उनको ध्यान नहीं रहा, उन्होंने जेई का नाम नहीं लिया, बट कोई इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमने दोनों का ही मुद्दा उठाया,
उठाने के लिए बोला, लेकिन देखिए कई बार मिसमैचिंग हो जाती है, चाहे एमपी हो कोई भी हो, और ये सब चीज़ें मैं मायने नहीं रखता। जेई वाले इतनी छोटी मानसिकता भी नहीं रखते कि उनको बुरा लगे। देखिए साथियों, बाकी आप सभी और भी आगे एमपी जब अपनी बात उठाएंगे पार्लियामेंट में, और रेल मंत्री को मैं ज़्यादा नहीं जानता, इसी 29 तारीख तक कम से कम 4 से 5 बार इस चीज़ का जवाब देना पड़ेगा कि स्टैंड बाई को कब तक क्लियर कर रहे हो। और ये प्रेशर जो लगातार बन रहा है, इससे आप लोगों के 100% स्टैंड बाई क्लियर होने के बहुत चांस बढ़ जाते हैं। साथ ही साथियों, मैं आपको बता देता हूँ, हम लोग जो आगे की रणनीति है उस रणनीति को किस हिसाब से तैयार करते हैं, तो ये आपको 12-13 तारीख का हमारा जोन विजिट का प्रोग्राम है, उसको पूरा होते ही हम उस पर वर्क करेंगे। पर एक बार सबसे पहले इसको पूरा हो जाने दीजिए, सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने जोन जाएं और जोन जाके रिक्वेस्ट करें। तो सभी साथियों से मैं ये इस बात को बार बार नहीं कहना चाहूँगा, आप लोगों के सभी समझ आ गया होगा। 11 तारीख को मैं दिल्ली रहूँगा, माननीय अलका लांबा जी से मिलूँगा। वैसे देखिए उनकी भी समय की अब व्यवस्था बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि हिमाचल में कांग्रेस ने सरकार जीत ली है, सरकार बना ली है, और मैडम वहाँ की पर्यवेक्षक हैं और दूसरी बात। लेकिन फिर भी हमारी बात है, देखिए उनके थ्रू किस एमपी से मिलना है, और क्वेश्चन वगैरह जो 14 तारीख का है उसमें तैयार होके और उठवाना और सब चीज़ें, उन पर हम काम कर रहे हैं। बाकी 12 तारीख को मैं दिल्ली ही रहूँगा। साथियों देखिए, मेरा होना ना होना कुछ भी मायने नहीं रखता, आप सभी को अपना काम करना है। और दूसरी बात, आगे का जो भी प्लान होगा हम वो मीटिंग के जरिए बात करेंगे, अभी उसमें और हम तय कर लेंगे। आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखना है, मतलब कुल मिला के पूरा वीडियो देखा करो, ये आपके लिए अपडेट के लिए ही बनाया गया है। और सभी साथी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और साथियों गोवर्धन जी महाराज की कृपा से सभी का सिलेक्शन होगा। थोड़ा बहुत समय लग सकता है, क्योंकि देखिए स्टैंड बाई में जब इतने लोगों को क्लियर कर दिया तो सभी को इनको क्लियर करना पड़ेगा, और आगे की जो रणनीति है वो हम 14 तारीख को एक मीटिंग के जरिए तैयार करेंगे। अगर हमें लगेगा कि हमारे जोनल रेलवे से सीपीओ का रवैया ठीक नहीं है, या कम डिमांड भेज रहे हैं, या हमें कोई ऊट पटांग उल जलूल उत्तर दे रहे हैं, तो साथियों हम उसके हिसाब से ही 20 या 22 तारीख के आसपास में हम एक डेट रखेंगे, और माननीय अर्जुन मेघवाल जी के पास में जितने भी लड़के हैं, ऑल इंडिया के लड़के, वो हम सभी पार्लियामेंट का सत्र का सेशन ख़त्म होने से पहले हम उनके घर जाकर उनको हमारी समस्या एक बार दोबारा रखेंगे। और साथियों, हमारी संख्या जितना ज़्यादा होगी हमारी बात उतनी ही प्रबल तरीके से मानी जाएगी। तो साथियों, उन सब रणनीति के लिए हम 14 तारीख को आगे रणनीति बनाएंगे। तो मैं सभी साथियों से एक बार पुनः यही कहना चाहूँगा कि आप सभी साथी हमारी हेल्प करें, और जो भी हैं आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपको यहाँ से जो भी अपडेट होगा मैं एक वीडियो के द्वारा आपको अपडेट 100% देता रहूँगा साथियों। तो आप सभी को मेरा राम राम साथियों, धन्यवाद साथियों।